एमवी कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों द्वारा चक्काजाम। आश्वासन पर माने छात्र। गोहनिया खुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एमवी कॉन्वेंट स्कूल गोहनिया के छात्रों ने स्कूल के सामने रीवा रोड पर चक्का जाम कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि स्कूल की लापरवाही से हम लोगों का भविष्य संकट में हो गया है। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष घोरपुर राजेश उपाध्याय व चौकी इंचार्ज कोहनिया ज्ञानेश कुमार ने छात्रों को शांत कराया तथा मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य मोहित चौधरी को बुलाकर छात्रों से वार्ता कराया। असंतुष्ट छात्रों ने प्रधानाचार्य से अपने अंक कम होने का जिम्मेदार स्कूल को बताया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद प्रधानाचार्य ने परीक्षा फॉर्म भरा कर बच्चों की परीक्षा कराए जाने तथा उसका खर्च स्कूल द्वारा उठाए जाने की बात रखी तथा बच्चों के साथ आत्मीयता दिखाते हुए आश्वासन दिया कि आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, आप लोग परीक्षा दीजिए, आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त होंगे। प्रधानाचार्य के आश्वासन के बाद बच्चों को समझाकर थानाध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने घर जाने को कहा, जिस पर आश्वासन से संतुष्ट दिख रहे छात्र घर चले गए। गौरतलब है कि CBSE बोर्ड का हाईस्कूल का परीक्षा फल आते ही उम्मीद से बहुत कम अंक मिलने पर छात्रों और अभिभावकों में असंतोष पैदा हो गया था, जिसका विरोध गत दिवस छात्रों द्वारा किया गया था और छात्रों को समस्या का हल निकालने का आश्वासन देकर घर भेज दिया गया था। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए दिवाकर पाल की खास रिपोर्ट। हम लोग का परसेंटेज इतना खराब आया कि हम लोग को बताते हुए शर्म आ रही है, और जो बच्चे यहाँ तक एग्जाम नहीं दिए, स्कूल नहीं आए हैं, उनके परसेंटेज इतने अच्छे हैं कि बताइए, 58 आए हैं, हम लोग 52 आए हैं, हम लोग इतने बताते हुए खराब लग रहा है। यहाँ कोरोना काल में हम लोग धमकी दे दे के पैसा मांगा गया है, पैसा नहीं दिया तो 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस लिया गया है कि लेट फीस आप लोग कीजिए, अगर नहीं देंगे तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे नहीं देंगे एडमिट कार्ड नहीं देंगे, आप लोग को यहाँ से बाहर से करते हैं, हम लोग को दौड़ाए थे, जैसा कि इस बार कोरोना काल की वजह से सभी छात्रों का जो है मार्ग प्रमोट करके दिया गया है, तो हम मानते सब को हुआ है, सबको होना चाहिए ना, इसमें मतलब हम लोग सबको फेल कर दिया गया है। कितने बच्चों का कम किया गया है? 65 बच्चों को फेल कर दिए, 50 के नीचे दे दिए हैं, 35 प्लस 50 के नीचे सबको दे दिए हैं। इसके बारे में आपने स्कूल प्रबंधन से बात किया? बात की, वो बात करना तैयार ही नहीं है, बुलाया जा रहा है, बैठे हुए हैं खाने में, कह रहे हैं आप बच्चे आए हम यहाँ नहीं आएंगे, मतलब हम वहाँ जा सकते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते, हम सौ बच्चे लेके वहाँ जाए, प्रशासन को भेजे हैं कि आप लोग चलिए वहाँ पे, अब वो वहाँ नहीं आ सकते अकेले होके। प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है? कह रहे हैं कि आप लोग चलिए वहाँ पे, प्रिंसिपल सर यहाँ नहीं, प्रिंसिपल डर रहे हैं, मतलब हम इतने डरावने हो गए हैं कि प्रिंसिपल हम लोग से डर रहे हैं, मतलब हमारी उम्र ये है कि हम लोग वहाँ जाएँ। कितने बच्चों हैं यहाँ से जाने के लिए बुलाया जा रहा है? प्रिंसिपल का क्या नाम है? मोहित चौधरी। कौन सा विद्यालय है? एमवी कॉन्वेंट स्कूल गोहनिया। आपका क्या नाम है? स्नेहा गुप्ता। कहाँ से हैं? हम लोग इस बार क्लास 10th का 2021 के पेपर दिए हैं, और मतलब एमवी कॉन्वेंट स्कूल से दिए हैं, मतलब सारा पेपर मतलब ऑनलाइन हुआ है, और हम लोग क्या नाम है, प्रीबोर्ड हम लोग का हुआ है, लेकिन ऑनलाइन प्रीबोर्ड लिए हैं, नंबर सब अच्छे अच्छे लाए हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल जो है यहाँ के सर, मतलब जो प्रीबोर्ड नहीं भी दिया है उनको भी अच्छा मार्क्स दिए हैं, उनको दिए हैं 80% दिए हैं, 85% दिए हैं, लेकिन हम लोग अच्छा मार्क्स लाए हैं, सारे पेपर प्रीबोर्ड में दिए हैं, फिर भी हम लोगों को एकदम 51% दिए हैं, 46% दिए हैं, इस तरह परसेंटेज दिए हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आए उनको नंबर मिला गया है। तो अभी तो हम लोग का इंप्रूव करें, बढ़ाएं परसेंटेज। प्रियांशु पटेल, इस बार क्लास 10th में।